आपने सबसे पहले आता जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल का कपूर चाटने वाला ने शुरू की थी। कपूर चंद पाटनी ने 1936 के अंदर 1936 के अंदर जमना लाल बजाज, जमना लाल बजाज ने इसको रीऑर्गेनाइज किया था, प्रजामंडल मूवमेंट को। इसका प्रेसिडेंट चुना गया था चिरंजी लाल मिश्र, चिरंजी लाल मिश्र। इसका मिनिस्टर था हीरा लाल शास्त्री, हीरा लाल शास्त्री। 1938 एडी के अंदर प्रजामंडल मूवमेंट सपोर्टेड शेखावती पिजन मूवमेंट। 1938 के अंदर प्रजामंडल मूवमेंट ने सपोर्ट किया था शेखावटी पिजन मूवमेंट को, और पहला सेशन लिया था 8 मई से 9 मई के अंदर। प्लेस था नथमल का कटला जयपुर, ठीक है। प्लेस था नथमल का कटला जयपुर। प्रेसिडेंट था इसका जमना लाल बजाज। 10 मई 1938 के अंदर, 1938 के अंदर कस्तूरबा गांधी ने एड्रेस किया था वुमेन असेंबली को। गांधी ने एड्रेस किया था असेंबली को। जयपुर स्टेट अरेस्टेड जमना लाल बजाज। फिर जयपुर स्टेट ने अरेस्टेड कर लिया था जमना लाल बजाज को, और फिर जयपुर प्रजामंडल ने स्टार्ट किया सत्याग्रह। फिर जयपुर प्रजामंडल ने सत्याग्रह स्टार्ट किया। फिर जेंटलमैन एग्रीमेंट, जेंटलमैन एग्रीमेंट हीरा लाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में हुआ। हीरा लाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में हुआ, और प्रजामंडल का अध्यक्ष था हीरा लाल शास्त्री। प्रजामंडल अध्यक्ष था हीरा लाल शास्त्री, और ये पीएम ऑफ जयपुर था मिर्जा इस्माइल, पीएम ऑफ जयपुर था मिर्जा इस्माइल। कंडीशंस इसकी थी कि भाई, कंडीशंस इसकी थी इसकी जेंटलमैन एग्रीमेंट की कंडीशन थी, पहली जयपुर स्टेट पार्टिसिपेट ने सपोर्ट, जयपुर स्टेट विल नॉट सपोर्ट ब्रिटिशर्स, मतलब जयपुर सपोर्ट, जयपुर स्टेट सपोर्ट नहीं करेगा ब्रिटिशर्स को या फिर रिबेल्स को, ये चेक करना। दूसरा, जयपुर स्टेट विल नॉट एस्टेब्लिश रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं बनाएगा। तीसरा, जयपुर स्टेट विल नॉट अरेस्ट रिबेल्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रजामंडल कैन गिव शेल्टर टू हिम। जयपुर स्टेट अरेस्ट नहीं करेगा रिबेल्स को, और ब्रिटिश इंडिया के अंदर एंड प्रजामंडल जिनको शेल्टर देता है। प्रजामंडल कैन कंडक्ट पीसफुली मार्च एंड प्रोटेस्ट। प्रजामंडल कंडक्ट कर सकता है पीसफुल और मार्च और प्रोटेस्ट कर सकता है पीसफुली। प्रजामंडल विल नॉट पार्टिसिपेट इन क्विट इंडिया मूवमेंट। प्रजामंडल क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये शर्तें थी। फिर आता आज़ाद मोर्चा। डिससेटिस्फाइड वर्कर्स ऑफ प्रजामंडल मूवमेंट्स इट्स अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा हरिश्चंद्र, बाबा हरिश्चंद्र जो इस जेंटलमैन एग्रीमेंट से एग्री नहीं करते थे, वो बाबा हरिश्चंद्र के पार्टिसिपेट किया। फिर इन लोगों ने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया प्रजामंडल में। अदर इसके लीडर्स थे रामकरण जोशी, दोसा वाले, और दौलतमल भंडारी, दौलत मल
भंडारी, गुलाब चंद कासनीवाल, गुलाब चंद कासलीवाल, ऑन द एडवाइज ऑफ नेहरू जी आज़ाद मोर्चा वॉज मर्ज्ड इन प्रजामंडल इन 1945। ऑन द एडवाइज ऑफ नेहरू जी 1945 के अंदर आज़ाद मोर्चा को मर्ज कर दिया। और 1 5 अप्रैल 1931 के अंदर मिथिलाल दिवस मनाया जाता है। अब आता है बूंदी प्रजामंडल। बूंदी प्रजामंडल इसके जो फाउंडर थे वो थे नित्यानंद वही देव नित्यानंद, कैलाशा सोसाइटी वाला, कैलाशा कंट्री वाला, कांतीलाल और ऋषिदत्त मेहता। ऋषिदत्त मेहता बहुत महान वो था न्यूज़पेपर राइटर, तो इसके न्यूज़पेपर लिखने अपने कौन कौन से बताना। ऑर्गेनाइजेशन बनाई बूंदी प्रिंसली स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस, ऑर्गेनाइज बनाई बूंदी प्रिंसली स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है। न्यूज़पेपर था इनका राजस्थान, राजस्थान नाम से इनका न्यूज़पेपर था। और इट वाज वीकली न्यूज़पेपर इन 1923 एडी एंड इट वाज पब्लिश्ड फ्रॉम ब्यावा। 1923 के अंदर ये एक वीकली न्यूज़पेपर था, वीकली न्यूज़पेपर था और पब्लिश्ड किया गया था ब्यावर से, फ्रॉम ब्यावर। न्यूज़ अबाउट हाड़ोती रीजन वाज पब्लिश्ड इन इट। न्यूज़ अबाउट हाड़ोती रीजन इसके अंदर पब्लिश्ड की जाती थी। मारवाड़ प्रजामंडल 1918 के अंदर मारवाड़ हितकारिणी सभा बनाई चांदमल सुराणा द्वारा। 1918 के अंदर मारवाड़ हितकारिणी सभा बनाई चांदमल सुराणा द्वारा। 1923 के अंदर री को ऑर्गेनाइज किया गया जय नारायण व्यास द्वारा बाई ये ऑर्गेनाइज किया गया जय नारायण व्यास के द्वारा। 1920 के अंदर मारवाड़ सेवा संघ बनाया। मारवाड़ सेवा संघ बनाया जय नारायण व्यास, व्यास के द्वारा। तोल आंदोलन चलाया 1920 के अंदर। तोल आंदोलन चलाया 1920 के अंदर जिसके अंदर वेट ऑफ वन शेयर रिड्यूस करके 100 ग्राम से 80 ग्राम कर दिया, 100 ग्राम टू 18 ग्राम एक शेयर का। 1929 के अंदर मारवाड़ प्रिंसली स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस हुई, मारवाड़ प्रिंसली स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस हुई जय नारायण व्यास के द्वारा। जय नारायण व्यास के द्वारा और वर्कर्स वांटेड टू कंडक्ट अ सेशन एट जोधपुर बट स्टेट ने अरेस्ट किया उनको। वर्कर सेशन करना चाहते थे जोधपुर के अंदर पर स्टेट ने उनको अरेस्ट कर लिया, जिसके अंदर जय नारायण व्यास, भंवरलाल सर्राफ और आनंद राज सुराणा वर अरेस्टेड। जिसके अंदर जय नारायण व्यास, भंवरलाल सर्राफ और आनंद राज सुराणा को अरेस्ट किया। ए केस वाज प्रोसिक्यूटेड अगेंस्ट देम इन द स्पेशल कोर्ट ऑफ नागौर, केस किया गया स्पेशल कोर्ट ऑफ नागौर के अंदर। फर्स्ट सेशन इसका हुआ था पुष्कर के अंदर 1931 के अंदर।
पहला सेशन 1931 के अंदर पुष्कर अजमेर में हुआ था, जिसके अंदर प्रेसिडेंट बना था अपना चांदकरण शारजा। चांदकरण शारजा और इन दिस सेशन मोतीलाल कोठारी, काका कालेलकल, कस्तूरबा गांधी ऑल्सो पार्टिसिपेटेड। और मोतीलाल मनी लाल कोठारी, काका कालेलकर, कस्तूरबा गांधी ऑल्सो पार्टिसिपेट करते हैं। मोतीलाल कोठारी, काका कालेलकर, कस्तूरबा गांधी पार्टिसिपेट करते हैं। फिर हुई थी 10 मई 1931 के अंदर ही मारवाड़ यूथ लीग, मारवाड़ यूथ लीग का कॉन्फ्रेंस, इसका था जयनारायण व्यास द्वारा। व्यास के द्वारा लीडर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज रीनेम्ड लेटर दिस ऑर्गेनाइजेशन, इसको रीनेम्ड कर दिया गया मारवाड़ यूथ लीग को, बाल भारत सभा बना दिया, बाल भारत सभा बना दिया। ठीक है, 1920 के अंदर मारवाड़ सेवा संघ जयनारायण व्यास द्वारा, फिर जयनारायण व्यास द्वारा क्या चलाया गया, तोल आंदोलन चलाया गया। ठीक है, तोल आंदोलन चलाने के बाद में यहाँ पे 1929 के अंदर स्पेशली स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस बनाई गई, स्पेशली स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस जयनारायण व्यास की। वर्कर्स इसके अंदर जो कंडक्ट करना चाहते थे सेशन जोधपुर के अंदर, स्टेट ने अरेस्ट कर लिया। जयनारायण व्यास, भंवरलाल सराफ और आनंद शारजा इसके अंदर अरेस्ट हुए। पहला सेशन इसका पुष्कर के अंदर हुआ 1931 के अंदर। मोतीलाल कोठारी, काका कालेलकर और कस्तूरबा गांधी ने पार्टिसिपेट किया। फिर 1931 के अंदर 10 मई 1931 के अंदर मारवाड़ी यूथ लीग बनी, बाद में उसका बाल भारत सभा नाम दे दिया थे बस ने।